रामचरण तेजा फिलहाल अपनी फिल्म ट्रिपल आर के सक्सेस टूर पर मुंबई आए हुए हैं, जहां से उनकी कई सारी फोटोज वायरल हो रही है। इन सभी फोटोज में एक बात कॉमन है, वो ये कि एक्टर कई मौकों पर नंगे पैर स्पॉट हुए, फिर वो चाहे एयरपोर्ट पर हो, रेस्टोरेंट में हो या फिर कहीं और। फैंस हैरान हैं कि इतनी कड़की धूप में रामचरण नंगे पांव क्यों हैं? उन्होंने ये खास अवतार क्यों कैरी कर रखा है? अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? करोड़ों की कमाई करने वाले रामचरण तेजा की इस सिंपल लाइफस्टाइल का क्या राज है? आखिर किस मन्नत और किस आस्था की वजह से रामचरण मुंबई में नंगे पैर घूम रहे हैं? जब ये बात आप जानेंगे तो रामचरण के फैन ना होते हुए भी उनके हार्डकोर फैन बन जाने वाले हैं, और जो उनके फैन पहले से ही हैं, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि साउथ के बड़े सुपरस्टार रामचरण तेजा ने 41 दिन की भगवान अयप्पा की दीक्षा ली है। ऐसे में वो अब अगले 41 दिन तक नंगे पैर रहने वाले हैं, साथ ही कोई भी चमड़े की चीज नहीं पहनने वाले और न ही बिस्तर पर सोने वाले हैं। ये व्रत काफी कठिन माना गया है। बता दें कि इस दौरान वो काले कपड़े ही पहनेंगे और साथ ही नॉनवेज वगैरह से दूर रहकर सात्विक जीवन बिताते हुए दिखाई देंगे। इस बात की जानकारी रामचरण के ही एक फैन ने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दी है, और इसी फैन ने ये भी बताया है कि रामचरण हर साल ये काम करते हैं। इंटरनेट पर सामने आए रामचरण के इस वीडियो को देख फैंस उनकी खूब तारीफें कर रहे हैं। इस दौरान एक फैन ने लिखा, साउथ के एक्टर बॉलीवुड परंपरा और संस्कृति को वापस लाएंगे। दूसरे ने लिखा, फिल्म बनाने से लेकर विनम्र और जमीन से जुड़े रहने तक बॉलीवुड को उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वही तीसरे ने लिखा, बहुत ज्यादा अमीर और पॉपुलर, फिर भी जमीन से जुड़े और विनम्र, आज तक कोई बॉलीवुड वाला एयरपोर्ट पर ऐसे नजर नहीं आया। इन सभी कमेंट्स और रामचरण की सादगी को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ फिल्म में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी वो राम जैसा स्वभाव और काम करते हैं, क्योंकि ट्रिपल आर में लोगों ने रामचरण तेजा में प्रभु श्री राम की छवि भी देखी, जो कि क्लाइमेक्स में काफी अच्छी लगती है जब वो प्रभु श्री राम जैसा अवतार लेकर अंग्रेजों पर बाण चलाते हैं। अब कुछ कुछ ऐसा ही रामचरण अपनी रियल लाइफ में भी आजमा रहे हैं, जो फैंस को खूब भा रहा है। वैसे आपको याद होगा 3 महीने पहले अजय देवगन भी ऐसे ही अवतार में नजर आए थे। सोशल मीडिया पर काले कपड़े पहने, माथे पर तिलक लगाए और गले में माला पहने अजय देवगन की फोटो खूब वायरल हुई थी। उन्होंने भी अयप्पा स्वामी के दर्शन के लिए 41 दिन का उपवास किया था। इसके बाद वो केरल के सबरीमाला मंदिर में आशीर्वाद देने पहुँचे थे। वैसे आपको रामचरण की सिंप्लिसिटी और उनकी सादगी से भरा ये अंदाज कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।